तो दोस्तों आज हमारे पास किया की तरफ से आने वाली सोनेट और इसका हाल ही में फेसलिफ्ट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये वेरिएंट है जीटी लाइन, सोनेट जीटी लाइन, और इस वेरिएंट में आपको बहुत बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चलते हुए डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। इस गाड़ी का 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी हेडलाइट की, तो जो पहली जो सोनेट आती थी उसे कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है और इसमें आपको यहाँ एक DRLs मिलती हैं, उसके साथ ही आपको इसके जो लेंस जो लाइट्स है थ्रो के लिए वो यहाँ मिलती है, और ये जो इसका जो ओवरव्यू है काफ़ी दिखने में अच्छा है। और यदि हम आगे की बात करें तो आपको ये जो नई ग्रिल है ये भी सॉलिड दिखने में सॉलिड है और फील भी आपको एक सॉलिड तरीके की होगी, क्योंकि ये दिखने में इसका एक जो लुक है वो नया उभर के निकाला गया ने। और यहाँ आपको जो कैमरा देखने को लिए मिलेगा, जो सामने का कैमरा है वो यहाँ आपको मिलने वाला है। उसके अलावा हमें यदि इसकी बात करूँ तो आपको नीचे की साइड में जो ये ग्रिल है ये भी चेंज कर दी गई है, जो बम्पर पे ग्रिल आने वाली है वो। और उसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ सामने का, तो सामने से गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार का आ रहा है जो दिखने में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव भी लग रही है। और इस बात किया ने इस गाड़ी में बहुत अच्छा काम किया है। सेंसर की बात करूँ तो आपको सामने की तरफ आपको इस गाड़ी में 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और अब यदि मैं आपको लेके चलूँ इसकी टायर प्रोफाइल पे, तो इस गाड़ी में आपको R17 की प्रोफाइल वाले MRF के टायर मिलने वाले हैं और उसी के साथ नए डायमंड कट एलॉय भी मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात है कि इस बार सोनेट में आपको चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। और RVM की बात करूँ तो आपको यहाँ पियानो फिनिश में डबल टोन में देखने को मिलेंगे और यहाँ आपको 360 डिग्री का कैमरा भी दिया गया है। इसी के साथ यहाँ आपको इंडिकेटर भी ORVM पे ही दिया गया है। और इधर की बात करें तो आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे। यदि सोनेट की बात करें तो ये गाड़ी आपको डबल टोन में देखने को मिलेगी। अब इस गाड़ी का मैं आपको पीछे का लुक दिखाऊंगा और उस गाड़ी का जो पीछे का लुक है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आपको कनेक्टेड लाइट दे दी है, जो बैक लाइट है वो यहाँ आपको GT लाइन की जो बैजिंग है वो दे चुके हैं और यहाँ जो सोनेट है उसकी बैजिंग मिलेगी। और पीछे का व्यू आप देख सकते हो ऐसा है कुछ। बैक ग्लास की बात करें तो आपको बैक ग्लास में डिफॉगर का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एक वाइपर भी दिया जाएगा और यहाँ आपको एक वाइजर देखने को मिलेगा जो इस गाड़ी का जो पीछे का लुक है उसको काफ़ी इनहेंस कर देगा। और ये एक बैक लाइट के लिए यहाँ ऑप्शन है, उसके साथ आपको यहाँ एक सर्फ एंटीना देखने को भी मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। और यदि हम पीछे के सेंसर की बात करूँ तो आपको पीछे भी 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे और यहाँ आपको बैकलाइट है वो आपके सामने है। तो इसके बूट को बताऊँ तो आपको बूट खोलने के लिए यहाँ नीचे की साइड एक बटन मिल जाएगा। और यदि हम इसके बूट की बात करें तो आपको यहाँ 385 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा स्पेस है। और यहाँ की साइड आपको ये हाइड्रोलिक वाले बूट स्पेस इसमें देखने को मिल रहा है। ये पार्सल ट्रे है जो ऊपर की तरफ यहाँ से बंधी हुई है। और यदि इसके अंदर दिखाऊँ तो आपको यहाँ जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा स्पेस है। यदि मैं इसके स्पेयर व्हील की बात करूँ तो आपको ये एक रिम वाला स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। और इसकी यदि मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको ये प्रोफाइल R16 की मिलने वाली है। और मुझे नहीं पता ये किया ने कॉस्ट कटिंग यहाँ क्यों की है, यहाँ यदि 17 का आपको प्रोवाइड किया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आपको 2 लाइट्स मिलेंगी, दोनों हेलोजन लाइट्स हैं। और ये रियर व्यू वाला कैमरा जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस गाड़ी को मैं आपको अंदर लेके चलूँ, सबसे पहले आपको यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है गाड़ी के अंदर आपको अनलॉक करने के लिए, जिसको दबाने के बाद में गाड़ी का अंदर जो डोर है वो भी काफ़ी हैवी कर दिया गया लास्ट टाइम जो सोनेट आती थी उससे। और जो क्वालिटी इस बार जो यूज़ की गई है, यहाँ प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको यहाँ जो भी मिरर्स हैं उनका जो बटन्स है वो देखने को मिलेंगे सारे। जो ये एक बटन है वो ओनली जो इस मिरर का जो बटन है वो ही आपको ऑटो अप डाउन के साथ मिलने वाला है। और यहाँ आपको जो ये फिनिश है ये प्लास्टिक फिनिश के साथ मिलने वाला है। इसमें जो स्पीकर यूज़ किए गए हैं वो बॉस के स्पीकर यूज़ किए गए हैं। और यहाँ आपको थोड़ा सा एक स्पेस मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ट्यूनर्स देखने को मिलेंगे। यदि इस गाड़ी में हम आप सीट के बारे में बात करें तो सीट के अंदर आपको यहाँ इलेक्ट्रिक सीट को एडजस्टेबल वाले बटन मिल जाएंगे, जिसमें आपको आगे पीछे के लिए इलेक्ट्रिक है। और इसी के साथ आपको यहाँ मैनुअल ही साइड की जो सीट है उसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको मैनुअल मिलने वाला है। और यदि इधर की साइड बात करें तो आपको स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा और उसके साथ यहाँ पे आपको लाइट अप डाउन के लिए बटन मिलने वाले हैं। यदि आप इस गाड़ी की हम स्टेयरिंग की बात करें तो आपको वी शेप वाली स्टेयरिंग मिलती है, यहाँ आपको GT लाइन की बैजिंग मिलेगी। यदि इधर वाले बटन की बात करें तो आपको म्यूजिक सिस्टम है उसके लिए बटन दिए गए हैं। और इधर के साइड आपको कुछ बटन दिए गए हैं, इसमें आपको लेन असिस्ट होते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको लेवल 1 वाला एडास सिस्टम मिलता है जो कि एक कैमरा बेस्ड एडास सिस्टम है, उसके आपको यहाँ बटन दिए गए हैं। यदि हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले सोनेट की पीछे वाली सोनेट से चेंज कर दी है, बिल्कुल पूरी ही चेंज है और आपको फुल ये एक डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाली है। तो इस बार इस गाड़ी में आपको पेडल शिफ्ट भी दे दिए गए हैं जो कि पिछली वाली सोनेट में मिसिंग थे। यदि हम इसकी म्यूजिक सिस्टम बात करें तो आपको 10.25 इंच वाला इसमें एक म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है जो कि पिछली बार जो सोनेट आ रही थी उसे अपग्रेड कर दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और इसमें यदि आपको मैप ऑप्शन है, नेविगेशन जो ऑप्शन है, उसके साथ वॉइस मेमो भी दिया गया, क्लाइमेट के जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर दिए गए क्योंकि इस गाड़ी में आपको डुअल चैनल क्लाइमेट वाला ऑप्शन भी मिलने वाला है जो ऑटो पे आप यूज कर सकते हो मैनुअल की जगह। और इसके अंदर आपको यहाँ एसी वैन दिए गए हैं जिनका जो शेप है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है और ये एक नई तरीके से पॉलिश वाले जो इसके आउटर लाइन है वो भी बनाई गई है जो देखने में काफ़ी अच्छी है। और ये डिम लाइट का ऑप्शन है यहाँ। और यहाँ यदि मैं ऑप्शन की बात करूँ तो आपके पास ये फैन की स्पीड अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है, ये एसी के लिए बटन दिया गया है, ये एसी को टॉप पे रखने के लिए वाला ऑप्शन यहाँ है और ये मैनुअली ही एडजस्ट करने के लिए एक बटन ये दिया गया है जिसको आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए यूज़ होता है। मोड का दिया गया है। इस गाड़ी में आपको तीन प्रकार के ड्राइव मोड दिए गए हैं, एक होगा इको, एक होगा नॉर्मल और एक होगा स्पोर्ट। और जब ये गाड़ी आप इसमें मोड चेंज करोगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो भी इसमें चेंज होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे ट्रैक्शन का ऑप्शन दिया गया है, ये सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया है और ये 360 डिग्री कैमरा है उसके लिए आपको यहाँ एक बटन दिया गया है। यदि इसकी IRVM की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है। उसके साथ यहाँ आपको ये आपके जो चश्मे होते हैं उनके लिए एक केबिन मिलने वाला है और उसके साथ यहाँ आपको एक क्या नाम हेलोजन लाइट मिलने वाली है और इसका बटन ये ऐसे ऑन हो जाती है। और मैं गाड़ी में ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो आपको एक काफ़ी डीप वाला ग्लव बॉक्स मिलने वाला है और ये कोल्ड वाला नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। और यदि इस साइड की बात करूँ तो आपको यहाँ लेदरेट वाली फिनिश मिलेगी, उसके साथ यहाँ प्लास्टिक की है और ये अप डाउन के लिए आपको बटन मिल जाएगा, वहाँ एक ट्यूनर मिल जाएगा और ये एक इसका एक एसी वेंट और वहाँ मिल जाएगा। उधर की साइड आपको बोटल होल्डर मिलने वाला है और वहाँ स्पेस काफ़ी अच्छा है इस बार किया में, इस किया सोनेट में। और ये बॉस की ब्रांडिंग है। और यदि आप बात करें इसके गियर लीवर की तो आपको ये ऑटोमेटिक वाला गियर लीवर है और ये गियर लीवर काफ़ी अच्छा दिखने में और यहाँ एक सॉफ्ट टच भी दिया गया है। उसके साथ साथ आपको ये पार्किंग मोड है, रिवर्स का आ गया, यहाँ न्यूट्रल हो जाएगी और ये डी मोड आ गया आपका। और यदि मैं आपको बताऊँ तो ये पीछे का जो कैमरा है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। पिछले जो कैमरा था उससे कहीं ज़्यादा बैटरी इस बार कैमरा इसमें देखने को मिला है जिसमें आप पूरा पीछे का है और इस जो साइड लाइन है वो भी इसमें से दी गई है। यदि हम आपको यहाँ पोर्ट्स और बटन्स की बात करूँ तो यहाँ आपको C टाइप पोर्ट्स मिलेगा और एक A टाइप पोर्ट्स भी मिलने वाला है और ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिलने वाला है। इस यहाँ की तरफ आपको बात करूँ तो सबसे बढ़िया बात है इस सोनेट की, इसमें आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर देखने को मिलेगा जिसके लिए यहाँ आपको स्पेस दिया गया है। यदि मैं बात करूँ आपको अपना फ़ोन रख के तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस है और आप यहाँ से आराम से अपना फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हो। यदि मैं इस गाड़ी के अंदर सीट का जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी बताऊँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है और जो स्टिचिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ यहाँ आपको एक ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक स्पेस देखने को मिल सकता है और ये ग्लव बॉक्स कोल्ड वाला है क्योंकि यहाँ इसका फैन दे रखा है। यहाँ आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलेंगे और एक गेप दे रखा है, मेरे हिसाब से ये गेप आप फ़ोन रखने के लिए भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है यानी इस बार। तो यदि मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आपको ये एडजस्टेबल वाला नहीं मिलने वाला है, ये एक जगह ही रहेगा। सामने की तरफ आपको IRVM देखने को मिलेगा जो एक ऑटोमेटिक IRVM है और इसके ऊपर आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, एक SOS का, एक रेन असिस्ट का है और एक Kia Connect का है। और आपको मैं बता दूं इस गाड़ी के अंदर आपको Kia Connect का भी फीचर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यदि मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो आप इसको एक वन साइड ही एडजस्ट कर सकते हैं, आपको डबल एडजस्टमेंट सिस्टम वाला नहीं मिल रहा है। और ये मेरी इस गाड़ी के अंदर एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है। अब मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको कंफर्टेबल जो पीछे बैठ रहा है उसके लिए कितना स्पेस है। और आपको मैं बता दूं मेरी हाइट है 6 फीट और मैं आपको पीछे बैठ के दिखा रहा हूँ इसमें जो पीछे का स्पेस है वो कैसा है। यदि मैं खुद आगे एज ए ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव करता और मेरे ही जितनी हाइट का बंदा पीछे बैठा हुआ था उसके लिए इस गाड़ी में स्पेस काफ़ी ठीक है। हम इतना भी नहीं बोल सकते कम है, इतना भी नहीं बोल सकते ज़्यादा है। मेरे पैर यहाँ टच हो रहे हैं बट जो थाई सपोर्ट है वो मेरे को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और जो इस गाड़ी के जो सीट्स हैं पीछे की वो उनका जो फैब्रिक है उनकी जो लेदर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल की गई है इस गाड़ी के। मैं पीछे की डोर की बात करूँ तो आपको यहाँ इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड कर्टन्स मिलने वाले हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड कर्टन्स मिलने वाले हैं। और ये आप सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में ये आपको यूज़ करने देते हैं नहीं देते हैं। इसके साथ आपको यहाँ लेदरेट फिनिश मिलने वाली है, यहाँ आपको मेरे को अप डाउन करने के लिए बटन मिलने वाला है और यहाँ बोस की बैजिंग के साथ आपको एक बोस का स्पीकर देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपको एक क्यूआई डिस्प्ले देखने को मिलेगी क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको एयर प्योरीफायर मिलने वाला है। यहाँ आपको दो अलग अलग डायरेक्शन वाले एसी वेंट दे रखे हैं और उसके साथ यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। और आप यहाँ यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आपको दो सीटाई वाले पोर्ट दे रखे हैं। और इधर की साइड बात करें तो आपको कुछ लुक इस प्रकार का दिख रहा है। यदि मैं पीछे से गाड़ी का लुक दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार का लुक आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। यदि इस डोर की बात करूं तो ये सेम डोर है जो मैंने पीछे आपको दिखाया था, वही यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है, वहाँ बोस की बैजिंग के साथ स्पीकर मिलने वाले हैं और यहाँ आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलने वाला है और इसके अंदर आपको दो कप होल्डर भी देखने को मिलेंगे।